अभी फिलहाल में फैदाबाद में जिस तरीके से जलभराव की स्थिति हुई है, अभी आप आए भी होंगे सर, पल्ला से होते सहतपुर एरिया में आप आए होंगे, वहाँ भी बाढ़ जैसे हालात लगातार परमानेंट 365 दिन बनते हैं सर। अभी भी आप निकल के आए होंगे तो सर उसकी कंडीशन शायद नहीं सुधर पा रही है। मौके पर अभी आप निकल के आए होंगे तो अच्छा खासा पानी लोगों की खराब हो जाती है, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बोल पाएगा, लेकिन उनकी गाड़ी भी खराब होती है, पब्लिक की खराब होती है, लाखों की आबादी 5 लाख की आबादी दुखी है सर, उसका सोल्यूशन कैसे कर पाएंगे सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें यमुना किनारे इलाके में खड़े हैं और यहाँ लगातार बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, कई जगह कॉलोनी को खाली कराया जा रहा है, तो लगा आप बता दूं डीसी साहब आप पूरे शहर का मुआयना करने निकले हैं और लगातार किस तरीके से हालात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सर अभी फैदाबाद में आप निकले हैं, तटीय इलाकों में पहुंचे हैं जो यमुना के आसपास के इलाके हैं, किस तरीके के हालात हैं इस टाइम? अभी जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे से, क्योंकि यमुना में पानी काफ़ी छोड़ा गया है तो उसके कारणवश यहाँ पर भी यमुना का स्तर थोड़ा ऊँचा है, तो हम एक तो जायज़ा लेने निकले हैं और दूसरा लोगों को बताने निकले हैं, जो लोग निचले इलाकों में हैं या फिर यमुना के बेसिन में जिनने अपनी रिहाइश कर ली है कि वो वहाँ से निकल के सेफ जगह पे निकल चले जाए। वो अभी इस्माइलपुर बसंतपुर एरिया में पहुंचे थे कि अभी वहाँ के हालात किस तरीके से, क्योंकि कॉलोनी में अच्छा खासा पानी है, लोग सामान लेके निकल रहे हैं लेकिन कुछ लोग वहाँ टिके हुए हैं नहीं निकल पा रहे हैं, उनको कैसे करवाएंगे? तो अभी जैसा कि आपने देखा, क्योंकि वो कॉलोनी है वो बांध के इस तरफ बनी है, वो यमुना का ही एरिया है, जब यमुना पूरे बहाव में होती है वहाँ तक यमुना आती है, परंतु फिर भी लोगों ने वहाँ पर अपने घर बना लिए हैं, तो उनको हमने आगाह करा है कि वहाँ से सेफ हाउसेज में चले जाएँ। काफ़ी लोग चले गए हैं, कुछ लोग नहीं गए हैं, तो हमने पर्सनली हर घर पे लोग अपने डिपार्टमेंट से लोग भेज के, पुलिसकर्मी भेज के उनको वहाँ से निकलवाने के लिए कहा गया। पूरा एक महीना हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न शुरू हुआ है, बेहद हालात गंभीर होते चले जाएंगे और इलाके में पहुँचने की स्थिति जो होगी वो भी गंभीर हो जाएगी सर। तो बिल्कुल ही यहाँ पे क्योंकि जैसे बादल इतने रहे हैं या बारिश इतनी रही है, पहले आपने देखा ऊँचे इलाकों में, हिमाचल हो गया चाहे उत्तराखंड हो गया, तो उसके कारणवश बारिश की वजह से सभी नदियों में भी वो सभी नदियाँ ही उफान पर हैं, तो परंतु अभी स्थिति यहाँ पे फरीदाबाद में कंट्रोल पर है, बस चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। वो अभी सभी लोगों से आग्रह हमारा यही है कि बिल्कुल देखें और नीचे इलाके जो भी हैं वहाँ से इवैक्यूएट कर लें। लास्ट सवाल है मेरे सर, अभी फिलहाल में फैदाबाद में जिस तरीके से जलभराव की स्थिति हुई है, अभी आप आए भी होंगे सर, पल्ला से होते सहतपुर एरिया में आप आए होंगे, वहाँ भी बाढ़ जैसे हालात लगातार परमानेंट 365 दिन बनते हैं सर, अभी भी आप निकल के आए होंगे तो सर उसकी कंडीशन शायद नहीं सुधर पा रही है। मौके पर अभी आप निकल के आएंगे तो अच्छा खासा पानी लोगों की खराब हो जाती है, पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बोल पाएगा, लेकिन उनकी गाड़ी भी खराब होती है, पब्लिक की खराब होती है, लाखों की आबादी 5 लाख की आबादी दुखी है सर, उसका सोल्यूशन कैसे कर पाएंगे सर? बिल्कुल ही वो MCF को कह भी रखा है कि वहाँ पे जो भी ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है या फिर रोड की व्यवस्था करनी है वो करवा रहे हैं और ये डिपार्टमेंट भी कार्यरत है 15 साल से करवा रहे हैं। तो चलिए तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं इस तरीके के हालात जिस तरीके से बन रहे हैं उसको देखिए, पूरा फैदाबाद प्रशासन इस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार विजिट कर रहा है ताकि कोई नुकसान किसी पब्लिक को ना पहुंच सके। साथ यहाँ चल के साथ मैं विनीश कुमार सिटी न्यूज़ 100 के लिए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।